सेकंड थाट जो आता है वो आता है काफ़ी, जो कि फिफ्थ नंबर है, आपको स्लाइड अभी शो होंगी। फिफ्थ नंबर पे काफ़ी, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि गा के नीचे एक अंडरलाइन है और नी के नीचे एक अंडरलाइन है, तो यानी कि ये दोनों स्वर कोमल हैं और बाकी स्वर जितने भी हैं वो शुद्ध हैं। मैं उसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। पहले आपने देखा बिलावल, अब देखेंगे काफ़ी, तो उसको हम फ्लूट पे कैसे बजाएंगे वो देखते हैं। पहले सुनते हैं फिर देखेंगे कि किस तरीके से उसको प्ले मतलब मैं आपको दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेट करके कि भी कैसे बजाएंगे उसको। तो आप सुनिए पहले काफ़ी थाट। ऊपर से फिफ्थ यानी कि काफ़ी, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स पर गा और नी कोमल। अब वो फ्लूट पे कैसे बजेगा मैंने आपको सुनाया, अब बजेगा कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फिंगरिंग से। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि ये सा है, एक होल खोलते हैं तो रे बजेगा। अब रे से हमारे को गा जाएंगे तो वो कोमल है, तो आप ये देखेंगे सेकंड फिंगर जो कि हमारी मिडिल फिंगर है उसको हम हाफ ओपन करेंगे, शुद्ध के लिए पूरा खोलेंगे और कोमल के लिए इसको सेकंड फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर को हम हाफ खोलेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कोमल गा। इसके बाद माँ वही जैसे पहले बजाया था माँ, फिर पा, ऑल होल्स क्लोज्ड, देन शुद्ध धेवत था, देन कोमल नी। शुद्ध बजाएंगे तो इसको पूरा उठा देंगे, मगर कोमल बजाएंगे तो इसको हाफ ओपन कर देंगे। कोमल बजाएंगे तो कोमल नी बजाएंगे तो हाफ ओपन कर देंगे, हाफ ओपन करते ही वो कोमल नी कन्वर्ट हो जाएगा और फिर पूरा उठा देंगे तो फिर सा आ जाएगा। आप देखें दोनों के बीच में डिफरेंस, जब हम रे से कोमल गा जाते हैं तो हम सेकंड फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर हमारे लेफ्ट हैंड का सेकंड फिंगर को हाफ ओपन करेंगे, इसी तरीके से जब हम नी बजाएंगे कोमलली तो सेकंड फिंगर ऑफ राइट हैंड उसको हाफ ओपन करेंगे, करेक्ट। मैं बजा करके आपको एक बार शो करता हूं फिर दोबारा। हमारा
सेकेंड थाट जो कि हुआ काफ़ी, जिसके अंदर दो स्वर कोमल रहे, कौन कौन से, गा और नी। कैसे बजाया, रे वाली फिंगर यानी कि लेफ्ट हैंड की सेकेंड फिंगर को यानी कि मिडिल फिंगर को हमने हाफ ओपन किया तो कोमल गा बजा, राइट हैंड की सेकेंड फिंगर को जब हमने ओपन किया हाफ तो कोमल नी बजा। ये हुआ काफ़ी थाट।